jump off the bus. ये लोग चॉकलेट लेकर आए हैं। आज फादर्स डे है, कुछ गिफ्ट ला दो। मैं कहा लिली गिफ्ट तुम दोगे ना, आज मैं फादर हूँ तो गिफ्ट तुम दोगे ना। मैं अमित जैसे बेटा हूँ। बेटा हूँ। आप लोग कैसे? आप लोग कैसे? कल फादर्स डे है। कल फादर डे। तो मैं चलता हूँ पापा के पास। कल भी चल रहा हूँ पापा के पास। चलिए चलिए। बोलो। मैं जा रहा हूँ पापा के पास। बोलो। मैं जा रहा हूँ पापा के पास। कल छुट्टी ले लेना। छुट्टी ले लेना? क्यों? ये क्या कर रही है? कल फादर्स डे है। फादर्स डे है? तो कल तो ऑफिस जाना पड़ेगा ना। नहीं। वैसे कल संडे भी है। छुट्टी लेना पड़ेगा। क्यों छुट्टी क्यों लेना पड़ेगा? तो ये कटवाना नहीं क्या? क्या कटवाना? मेरे दाढ़ी के पीछे में तुमको दाढ़ी अच्छी नहीं लगती है? नहीं। मैं कैसे तुम्हारे चुपता है? मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊं? कटवा लो। ये मेरा एक पकड़ खींचता रहता। कटवा लो दाढ़ी। हां ओके। हेलो कहते हो तुम? ब्लॉग बना रहे हो क्या आज? हां छोटा ब्लॉग है। सब लोग कहते होंगे ऑफिस में ये क्या है? ये क्या है दाढ़ी? ये क्या है? ये क्या है? अच्छा ये मेरा पेट निकल आया ना। पापा को बोले थे डॉक्टर ये क्या है? ये क्या है? पापा को डॉक्टर? हां कौन डॉक्टर? कोई नाक वाले डॉक्टर। अच्छा तुम गए थे क्या? हाँ। चलो ये जिम ज्वाइन करके इसको कम कर देंगे ठीक है। और कुछ? और कुछ नहीं। और कोई फरमाइश? कुछ नहीं। तो किसी को गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। A few moments later. तो गाइस 12:10 पे तो सोनाक्षी एक बार आई, बोलती गई है हैप्पी फादर्स डे, फिर आ गई अब चॉकलेट लेकर आई है। हैप्पी फादर्स डे गिफ्ट देगा ना। हैप्पी फादर्स डे। ये लोग चॉकलेट लेकर आए हैं। बारह बज के दस मिनट हो रहा है। थैंक यू बेटा। तुझे लेके आए थे क्या? ये ले लो आप लोग चॉकलेट खाओ। जी सब लाए हैं। जाओ सो जाओ, आप लोग लेट हो गया है। सुबह मनाएंगे। बाय गुड नाइट। बाय ऋषभ। The next morning. Good morning family. तो रात में बहुत खतरनाक नींद आ रही थी, मैं सो गया था और सुबह उठा तो किट्टू बता रही है और मुझे याद भी है कि लिलिया और सोनाक्षी आए थे फादर्स डे विश करने के लिए। तो मेरे पिताजी को भी फादर्स डे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और जितने भी लोग फादर बने हैं फादर हैं उन सब लोगों को फादर्स डे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। शाश्वत भाई तो नए फादर बने, उनको भी फादर्स डे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम फादर नहीं बने हैं तो बाकी हमारा ले लिया है ना बेटा, इसलिए हम गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग फैमिली, आज फादर्स डे है तो पिछले साल दूर करो ना कैमरा, पास करेंगे दूर करो। इनको ठंडी लग रही, फैन में ही ठंडी लग रही है देख लो। बहुत ठंडा मौसम है। पिछले साल हम लोग अपने घर पे थे और वहाँ पे भी मौसम ऐसे ही चल रहा था। पिछले साल भी मौसम ऐसे ही था, मुझे याद है अच्छी तरह से। और हम लोगों ने छत पे केक काटा था। विनय की शादी के बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था और हमने छत पे केक काटा था, बहुत अच्छे से मनाया था फादर्स डे। तो आज फादर्स डे है तो मैं अपने पापा को बोलना चाहती हूँ, मेरा वीडियो देखेंगे क्योंकि अब पापा भी मेरा यही वाला फ़ोन चलाते हैं। पहले तो ऐसे कीपैड वाला चलाते थे, अब
पापा भी अब ब्लॉग देखने लगे हैं। हाँ, विनय भाई ने जो फोन दिलाया था तो अब वो देखेंगे। तो हैप्पी फादर्स डे पापा, और जितने भी सबके पापा होंगे सारे पापा को भी हैप्पी फादर्स डे। और क्या बोले हम, जितने भी पापा होंगे सभी पापा को हैप्पी फादर्स डे, मतलब जिसके जिसके भी होंगे। जैसे मेरे ससुर जी हो गए और मेरे चाचा हो गए, तो वो भी तो पापा ही है ना किसी न किसी के, बहुत सारे लोग हैं। और हमारे जितने भी YouTube फैमिली के पापा होंगे सबको हैप्पी फादर्स डे। अब मेरा गाल मत, जो हमको अच्छा नहीं लगता हम ये चिल्ला देंगे तो फिर हमको कुछ भी तो नहीं अच्छा लगता है। सो गाइज, उठ चुका हूँ, चलता हूँ, नहाता धोता हूँ, ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है, थोड़ा सा मेरे को एक्सरसाइज करना था। नहीं किया हूँ मैं एक्सरसाइज, तुम सो रही थी, मैं एक्सरसाइज किया हूँ। अरे मैं एक्सरसाइज किया हूँ, नीचे डिप्स मारा हूँ, ये एक्सरसाइज किया हूँ, पैर वाला किया हूँ और ये वाला किया हूँ बाबा रामदेव का देख करके। तो चलता हूँ नहाता धोता हूँ, तो नहा धो के मिलता हूँ कुछ देर के बाद। गुड मॉर्निंग, लिलिया उठ गया है और अपना नाश्ता कर रहा है, दूध पी रहा है अपना। ओहो, तो किट्टो जी लग गई सुबह सुबह रोटियां बनाने में, बहुत सारा सामान लाया हूँ, आई देखते हैं क्या क्या लाए हैं। तो किट्टो जब रोटियां बना रही हैं, इधर ब्राउन ब्रेड लेकर के आ रखा हूँ। किट्टो का कंडीशनर, शैम्पू, डब, सुबह सुबह खाओगी मन फ्रेश रहेगा। एक लीली के लिए, एक सोना के लिए। रात में लिलिया मुझे चॉकलेट दिया था ना, लिलिया रात में मुझे लिलिया चॉकलेट दिया था ना, क्या बोला था? हैप्पी क्या? बर्थडे आगे तो बढ़ो। हैप्पी बर्थडे। हाँ उसे भी फेंक दो, किसी तो पहले। अरे अच्छे से कैमरे में नहीं आया, फिर से थैंक यू मेरा बच्चा, मेरा बेटा। तो लिलिया का चॉकलेट हो गया है, किट्टो को दे दिया है, सोना का रह गया है। अच्छी गई है कूड़े वाले कूड़ा देने के लिए, तो सोनाची लेकर के आती है। क्यों रख दी? जगह नहीं है, चाय रखते हैं। अपने लिए डाइजेस्टिव बिस्किट लाया हूँ, ये खा लेता हूँ, और डाइट नमकीन लेके आया हूँ, डाइट बताइए, ये खा लेता हूँ। जब तक चाय बन रहा था तब तक मैं थोड़ा सा फ्रूट्स खा लेता हूँ। और बटर किधर है? ये रहा बटर। लो टिफिन वाला खत्म कर। तो मेरा ब्राउन ब्रेड और चाय तैयार हो गया है, दो कप तो दो मेरा काला नमक लगा। मैं चाय पीने जा रहा था, लिलिया तू क्या कहने आया बता, चल तू बता जा। नहीं अभी तू क्या कह रहा था बोल ना। नहीं जो तू बोला था बोल ना बेटा। अब मेरे को लिलिया कह रहा है कि आज फादर्स डे है, कुछ गिफ्ट ला दो। मैं कहा लिली गिफ्ट तुम दोगे ना, आज मैं फादर हूँ तो गिफ्ट तुम दोगे ना, मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। क्या हुआ बोलो? सामान ला दो। सामान ला दूँ? क्या क्या सामान चाहिए बताओ, मैं ला दूंगा शाम को जब ऑफिस से आऊँगा, ला दूंगा, जल्दी आऊँगा मैं, ठीक है? और वो चमकीला वाला पेपर, और पता नहीं कितना एक्साइटेड है ये, तो देखते भी क्या कहता है। क्या रह गया था? कलर वाला पेपर। अच्छा कलर वाला पेपर, ठीक है लल्ला। और कुछ? कुछ नहीं। एक
केक लाएंगे? पापा केक लाएंगे ना? लाएंगे? हाँ। चलो एक केक मैं भी ला दूंगा, ठीक है? और कोई डिमांड? कुछ नहीं। चलो, आई लव यू ऋषभ। कुछ रिप्लाई नहीं करोगे? कुछ तो बोलो। हमारी मस्ती मजा यही चलती रहती दोस्तों। मेरी चाय और ब्रेड, डाइजेस्टिव बिस्किट और डाइजेस्टिव नमकीन तैयार होगा तो मैं खा के फिर निकलता हूँ। मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए और बाय लिलिया। जाऊं 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 लिलिया की मौसी? जाऊं जाइए आप भी बोलिए जाइए। जाऊं जाऊं तो लिलिया कहने का मतलब है कि शाम को जल्दी आ जाना, तो शाम को जल्दी आऊँगा। सो गाइस, इस वाले ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं, निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। आप लोग इंजॉय करिए हमारे इस ब्लॉग को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शाम को एक छोटा सा केक वेक कटेगा जो कि लिलिया का फरमाइश है। भैया पता नहीं क्या क्या डेकोरेशन चीज़ें बोली है इसने, लेके आएंगे वो सारी चीज़ें। लव यू ऑल, बाय बाय।